जहां से अच्छा वो सपना हमारा, सारे जहां से अच्छा वो सपना हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा दोस्तों हमारा, सारे जहां से अच्छा। कश्मीर का एक गांव, सितंबर अक्टूबर 1965, प्रातः 6 बजे। रात्रिकालीन युद्ध समाप्ति के बाद कुछ पाकिस्तानी जासूसों का भारत की सीमा में प्रवेश। खुदा का शुक्र है, हम सही सलामत अपने ठिकाने पर आ पहुंचे। हाँ कप्तान साहब, हम सही ठिकाने पर ही उतरे हैं, लेकिन शाम होने से पहले हमें छुपने के ठिकाने भी ढूंढ लेने चाहिए। ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले अपने साथियों को पता लगाएं, असगर अहमद मसूद पता नहीं कहाँ उतरे हैं। कौन है? लगता है पाकिस्तानी जासूस है। मुझे अभी जाकर मेजर साहब को खबर करनी चाहिए।
ढूंढ लेंगे कप्तान साहब, ढूंढ लेंगे। आप तो इन सब जगहों को जानते ही हैं। जानता है तो हूँ, लेकिन असगर से कम। वो तो इसी इलाके के रहने वाला है। मुनीर, वो सामने कुछ खेत दिखा दे रहे हैं। हाँ, आओ हमें वहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ चलिए, हमें बहुत बड़ा काम सौंपा गया है, इंशाल्लाह उसे पूरा करना ही होगा। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ होंगे अपने साथी? हो सकता है उस तरफ। तुम ऐसा करो, जल्द जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करो। क्या ठहरो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे यहाँ। और हाँ, तुम अपनी टोपी लगा लो, ताकि यहाँ के रहने वाले लोग ये समझें कि इंडियन सिविल डिफेंस के आदमी है। हाँ, टोपी लगा लो। हो सकता है हमें किसी ने उतरते हुए देख लिया हो और वह लोग इधर ही आने वाले हैं। अरे वो देखो, वो कौन? अरे वो तो अपने साथी हैं, असगर भी है। और चलते हैं, हम चलते हैं। असगर, तुम लोग कहाँ थे? कहाँ कुछ दूर जा रहे थे। अहमद, तुम्हें अपना काम दिखा देना। जी कप्तान साहब, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी निछावर कर सकता हूँ। और अब्दुल, तुम? जी कप्तान साहब, मैं गांव में जाकर हिंदुस्तानी आवाम के बीच कुछ ऐसा करूंगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा हो जाए। याद रहे, हमें हर हाल में अपने मकसद में कामयाब होना है। अब तुम लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाओ। खुदा हाफिज़। है? क्या सोच रहे थे तुम? चुप क्यों हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम साथ सो रहे हो, इसी बूते पर हमारे साथ आए हो। जानते नहीं, इस वक्त एक एक लम्हा हमारे कितना अहम है। जी कप्तान साहब, मैं जानता हूँ कि मुझे हवाई अड्डों पर हमला करने वाले जहाजों को इशारा करना है, और ये खतरे का काम मैं बखूबी करने के लिए तैयार हूँ। सब सामान तो ठीक है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, तो हम और मुनीर उस तरफ खेतों की तरफ जा रहे हैं। वहां पर हिंदुस्तानी हवाई अड्डे और फैक्ट्री का मुआयना करना है, ताकि अपने दोस्तों को बता सकें। असगर, तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मेरे साथ मकसूद है, शायद हम लोग से कुछ दूर उतरा हुआ है। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं उसको ढूंढ लूंगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चारों तरफ खामोशी है, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं हूं कहां पर। हाँ, मुझे नक्शा निकाल कर देखना चाहिए। यह हवाई अड्डा है, ये फैक्ट्री, और मैं यहां हूं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक जगह पर हूं। यहां से मैं अपने पाकिस्तानी जहाजों को आसानी से सारा कर सकूंगा, ताकि वो हिंदुस्तानी हवाई अड्डों का नामो निशान मिटा दें। मुनीर और बुनियाद उस फैक्ट्री की तरफ गए।
मेरे कपड़े तो सही हैं। हाँ बिल्कुल हिंदू जाट की तरह लग रहा हूँ। हिंदू जाट, मुसलमान जाट, आखिर दोनों जाट एक ही तो हैं। ये मैं क्या सोचने लगा, ये कुफ्र है। हमारे मौलवियों ने आज़ादी की इस लड़ाई को जिहाद का फतवा दिया है और जिहाद के इस मौके पर मैं अपना फर्ज पूरा करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ओ मकसूद तुम हो, कहाँ थे तुम? मंजिल की जगह भूल गया उतरा था और वहाँ छुपने का भी कोई ठिकाना ना था। खुदा का शुक्र है झाड़ियों की वजह से छुपते छुपाते यहाँ तक पहुँच गया। तुम तो इतने कमसिन और खूबसूरत दिखाई देते हो ना कि अगर कोई तुमको देख भी ले तो शक नहीं कर सकता था। तुम भी ऐसे खतरे में हंसी मजाक करने की आदत नहीं छोड़ते। अब जल्दी करो, क्या हमें यहीं रुके रहना है या उधर खेतों में चलना है? मैं समझता हूँ कि हम यहीं छुपे हैं तो अच्छा है। यहाँ से अपने जहाजों को आसानी से सारा कर सकते हैं और हमारे यहाँ छुपे रहने किसी को शक भी ना होगा। लेकिन मकसूद, हाँ चुप क्यों हो गए? कहो क्या कहते हो? कुछ नहीं, ऐसा जरा ख्याल आ गया था। कैसा ख्याल बोलो? इतने जल्दबाजी में हमें यहाँ बुलाया और बिना कुछ समझाए मिसाला भेज दिया, तो क्या हुआ? ये आजादी की लड़ाई है, हिंदुस्तान को हमको हमेशा के लिए सबक सिखाना होगा। उसकी बेवकूफी की हरकतें हम तब तक सहते रहे। कश्मीर हमारा है और उसे हम लेकर रहेंगे। ठीक है, मैं यह नहीं कहता। तो क्या कहते हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो, आराम से अपनी जर्किंग फैला कर बैठ जाओ और ये सामान का ध्यान रखना। तब तक मैं थोड़ा आसपास घूम कर आता हूँ। तुम यहाँ से जाते नहीं रहो? बस इन झाड़ियों के पीछे उस टीले तक ही जाऊंगा। और हाँ, तुमने एक बात देखी मकसूद? क्या? ऐसा लगता है कि यहाँ के किसानों को किसी बात की फिक्र ही नहीं है। हमेशा की तरह वो अपने खेत को जोत बो रहे हैं। वो देखो, सीना ताने खड़े बड़े बड़े पहाड़, ये लहलहाती फसलें, गुनगुनाते झरने। मुझे वो सब देखने की फुर्सत नहीं है। मैं तो शाम होने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि अपने हवाई जहाजों को आसानी से इशारा कर सकूँ। वो तो करना ही है, इस बार उनको सबक सिखाना ही है। तुमने देखा आज आसमान पर हमारी लड़ाई कितनी तेज हुई? समझ में नहीं आता इनके छोटे छोटे जहाज हमारे बड़े बड़े जहाजों को परेशान कर देते हैं। कैसे हिम्मत वाले और निडर हैं हिंदुस्तानी पायलट। तुम ये क्या सोचने लगे, तुम्हारे दिमाग में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते ही क्यों हैं? क्या तुमने सुना नहीं कि हमने उनके कितने जहाज गिरा लिए हैं, कितने टैंक बर्बाद कर दिए हैं और उनके कितने शहर आज आग की लिपटों में झुलस रहे हैं? और तो और, हमारे साथियों ने जगह जगह दहशत गर्दी फैला रखी है, जीना हराम कर दिया है हम लोगों ने उनका। लेकिन सब्र की भी हद होती है, कहीं उनका सब्र का पुल टूट गया तो? तुम हिंदुस्तान की तरफदारी कर रहे हो या पाकिस्तान की? मैं ना हिंदुस्तान की तरफदारी कर रहा हूँ ना पाकिस्तान की, बात में इंसानियत की कर रहा हूँ। तुझ पे कुफ्र नाजिल होगा, वतन से गद्दारी करने का फतवा लगेगा। तो भूल गया कि हम लोग मिशन पर आने से पहले क्या कसमें खाई थी? याद है, अपने वतन के लिए, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा और मैं जान देने डरता भी नहीं हूँ। एक वक्त था जब हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस हिंदुस्तान को आजाद कराया था अपना लहू बहाकर, और आज उसी हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए अपने सर पे कफन बांध रहे हैं। हमें ये सब फालतू बातें नहीं सोचना है, हमें जिस काम के लिए भेजा गया है उसे पूरा करना है। वो तो करना ही है। खैर छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ।
जीत तो हमारी हो रही है। हाँ, कहा तो यही जा रहा है और यूं जीत होनी भी चाहिए। इन काफिरों ने परेशान करके रख दिया है, इस बार इनका सिर को चल ही दिया जाएगा। भला ये कश्मीर पर अपना दावा कैसे जमा सकते हैं? नहीं जमा सकते, दुनिया में कोई भी तो इनकी बात नहीं सुनता। फिर भी, अरे यह क्या है? यह तो वही पुराना खंडहर है, वैसे का वैसा ही खड़ा है। लगता है कोई इसकी देखभाल नहीं करता, एक एक ईंट करके वह खत्म होता जा रहा है। सब कुछ खत्म होता जा रहा है, अमन भी, जंग भी। यह जंग भी खत्म हो जाएगी। चलूं इसके भीतर तो देखूं। बचपन में भागकर मैं यहीं चिपका था। और फिर आखिर यहीं से पकड़ के ले जाते थे। इसी के पास से तो गांव का रास्ता गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो दूर आसमान पे जो साय की तरह दिखाई दे रही है, वो मस्जिद की मीनार ही है। हाँ, वही है। अक्सर चाचा के साथ नमाज पढ़ने जाया करता था। जुमा के दिन छोटा सा बाजार भी लगता था। और उस तरफ क्या है? चौपाल शायद अभी बनी है, और उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़। इन्हीं पेड़ों के पास से नहर गई है, ठंडा ठंडा मीठे पानी की नहर। जी करता है खूब पीऊं। इसी नहर से हमारे और रामू काका के खेतों की सिंचाई हुआ करती थी। रामू काका कितना प्यार करते थे मुझे। उसी तरफ नया नाला भी है, जरा देखूं तो सही। नहीं नहीं, मुझे गांव के करीब नहीं जाना चाहिए, उधर चलना चाहिए। यह क्या है? कोई ट्रेन आ रही है? यही तो ट्रेन है जिस पर बैठकर मैं शहर जाया करता था, अक्सर बिना टिकट के भाग जाया करता था। क्या आप नहीं भाग सकता? नहीं नहीं, यह कमजोरी है। यह सब मेरे दिमाग में क्या आ घुसा? यह जिंदगी और मौत का सवाल है, वतन का सवाल है। मेरा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। लेकिन यह क्या, हमने सचमुच पाकिस्तान चाहा था? नहीं नहीं, हमने तो नहीं चाहा था,
इस गांव में रहने वाले मुसलमानों ने तो कभी मुस्लिम लीग का साथ ही नहीं दिया था, सदा जमीयत के साथ रहे, लेकिन फिर भी हमें यहां से जाना पड़ा। जब दोस्त दोस्त न रहे तो हमें जाने को मजबूर हो गए। वह कैसी मजबूरी थी, इसी धरती पर हमारे बड़े बुजुर्ग पैदा हुए और इसी धरती की गोद में सो गए। उनके मन में तो यहां से जाने का ख्याल भी नहीं आया था। लेकिन मैं यह क्या सोचने लगा, मैं यह सब नहीं सोचूंगा, यह शैतान का काम है, गुनाह है। मैं अकावत के वक्त गुनाहों का क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, मुझे लौटना चाहिए, अपने साथियों के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन यह कैसी खुशबू आ रही है, क्या यह गन्ने के खेत से होकर आ रही है? और उधर मकई के खेत से आने वाली खुशबू, मीठी मीठी महक, याद नहीं पड़ता कि पहले भी यहाँ ऐसे ही था। जहाँ तक याद आता है यहाँ सब कुछ वीरान था, पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, खेतों में फसलें नहीं थी, सदा रेत उड़ती रहती थी। मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया? एक अजीब सी सौंधी सौंधी सी महक, यह सौंधी सौंधी इस मिट्टी की महक है। लो शाम हो चली, परिंदे भी अपने घरों को लौट रहे हैं। क्या मैं भी अपने घर को, अपने वतन को लौट आया हूँ? अरे ये तो हिंदुस्तानी फौजों का अड्डा है। अरे वो हवाई अड्डा। कहीं नहीं, बस यही देख रहा था कि हम ठीक जगह तो हैं। बेशक हम ठीक जगह पर हैं, लेकिन अब हमें काफी देर यहीं रुके रहना होगा। उसके बाद क्या होगा, ये सोचने का हमको कोई हक नहीं। हमें हक है ही नहीं, हमारा घर कहाँ, हम बोल नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते। अस्कर, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? क्या हम भेड़ बकरी के झुंड की तरह नहीं है, जिधर हाँक दिया चल पड़े? दुश्मन की धरती पर आकर तुम्हारे दिमाग में ये क्या ख्याल भरा है? क्या ये बगावत नहीं है? क्या तुम यहाँ पर दुश्मन को बर्बाद करने की कसम खाकर नहीं आए? आए थे, लेकिन मानते नहीं। मन की आजादी है ही कहाँ? एक दिन यहाँ से जाने के लिए मजबूर हुए और आज आने के लिए मजबूर हो गए। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? तुम गलत तो नहीं कह रहे हो, लेकिन खाने पीने के सामान की भी तो कोई कमी नहीं है। ला बोतल दो जरा, मैं पानी पीऊंगा। लो बुझा लो अपनी प्यास, लेकिन आदमी की प्यास बुझ सके शायद ऐसी कि वो कोई चीज आज तक खोज ही नहीं पाया। अरे ये क्या, ये लोग कौन है? ये तो इधर ही आ रहे हैं। अंदर ले जाओ और सांस रोक कर ले जा।
या खुदा या पाक परवरदिगार हमारी हिफाजत करना। मैंने अपनी आंखों से देखा जब हमारे जवान दुश्मन के जहाज पर आग के गोले बरसा रहे थे तब एक हवाई जहाज इधर आया था। जी हाँ, मैंने भी एक जहाज को जलते हुए नीचे गिरते देखा है। वह इतनी तेजी से गिरा जैसे आग का गोला गोता लगा रहा हो। पर जिस जहाज को मैंने देखा था उसमें आग नहीं लगी हुई थी। अच्छा। वो यहाँ आया, झुका और लौट कर चला गया। हाँ हाँ, मुझे भी यही पता लगा है कि एक जहाज यहाँ से ठीक ठीक वापस चला गया। उसी ने कुछ आदमी को नीचे उतारा है। लेकिन वे गए कहाँ? क्या गांव में छिपे हैं? हो सकता है एक आध गांव में भी छुपा हो। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ घने जंगल हैं, खेत हैं, खलिहान हैं और घनी झाड़ियाँ हैं। अब सभी लोग चारों तरफ फैल जाए, हथियार अपने पास रखिए। अगर वे जरा भी परेशान करें तो गोली मार दें, लेकिन जिंदा पकड़ सके तो बहुत ही अच्छा है। हम अभी उन्हें घेर लेते हैं, आखिर बच के जाएंगे कहाँ? चौधरी साहब, खेत किसके हैं? दादा की खड़ी फसल अभी काट डालना होगा। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, हम देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान कर सकते हैं। ये किसके खेत हैं बाद में देखा जाएगा। आप ट्रैक्टर मंगवाइए और कटवा डालिए। ट्रैक्टर साहब अभी आ रहा है, शायद वो आ भी गया। मुझे यकीन है कि घुसपैठी लोग यहीं कहीं छुपे हैं। आओ चलो खेतों की ओर चले। आखिर हमें पता लग ही गया, थोड़ी देर में ये लोग हमें घेर लेंगे। तुम घर से क्या सोच कर निकले थे? तुमने तो सिर और घर की बाजी लगाई थी, अब क्या घबराते हो? अगर सिर ही देना है तो देंगे, जरूर देंगे। और हाँ, अब हमारे हवाई जहाज भी तो आने वाले हैं। काश काश वे जल्दी आ जाते। जब आना होगा तो आएंगे। तुम फिर कहीं खो गए, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ तो है। जानते हो चौधरी कौन है? होगा इस गांव का कोई आदमी। हाँ, इसी गांव का रहने वाला ही। बचपन में वैसे ताऊ कैसे पुकारा करता था। 18 साल गुजर गए, इसके चेहरे पर वही राव, आवाज में वही कड़कपन। तब मैं 16 वर्ष का था। कितना प्यार करता था ये मुझे। जाते समय इसने कहा था, जाते हैं तो जाओ, पर इतना याद रखना कि इस गांव में तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं थी। काश तुम यहीं रहते, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं, वक्त ही ऐसा है। पर इतना याद रखना, हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। उस दिन हम सब रोए थे और आज बिल्कुल अलग माहौल है। उन्होंने कहा था कि हम दोस्त हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब हम साथ में रहते थे तब भी हम दोस्त नहीं थे, पर आज अलग हैं तब भी नहीं। साथ में रहते थे तब भी दुश्मन माने जाते थे, पर आज भी हम दुश्मन हैं। दुश्मनी का माहौल जैसे एक सच्चाई है। काश ये माहौल बदल सकता, हम सब साथ रह सकते। तुम्हें क्या हो रहा है इस वक्त? होश में आ, हमने अपने प्यारे वतन की खिदमत करने की कसम खाई है, हमें अपने वतन पर नाज है। ऐसे मौके पर तुम्हारे दिलो दिमाग पर ये कैसी कमजोरी छा रही है? नहीं नहीं, ये कमजोरी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। आखिर तुम ढूंढने लगा, रात के अंधारे में सब कुछ डूब जाएगा,
सब कुछ। वो क्या ट्रैक्टर की आवाज? खेत काट रहे हैं और हमारे साथी भी फंस जाएंगे। या खुदा, देखो देखो ये किसके जहाज है? शायद हमारे ही हो। हाँ हाँ हमारे ही है। ओ ओ ओ हमें इन्हें इशारा करते। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मेरे हाथ कांपने लगे पना। ये कैसी बातें करते हो तुम? तुम गद्दार हो। चुप रहो, उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस शहर के वाले हम लोगों को आपस में लगाते हैं। हमको हमको उनकी मदद के लिए चलना चाहिए। चुप रहो, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। कप्तान साहब, हम चारों तरफ घेर चुके हैं। मैं फायरिंग करता हूं, आप देखिए। था तैयार हो जाओ अपने वतन पर कुर्बान होने के लिए। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। मैं अपने प्यारे पाकिस्तान पर आज नहीं आने दूंगा। तुम चाहो तो आपसे घिर चुके हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अपने अहमद भी मारा गया, जान बचाना चाहता तो मेरे साथ है। तुम उसर जाओ। Ah!
अपने आप को हमारे वाले कर दो। मुनीर जी, अब अपने बचने की उम्मीद बहुत कम है, मैं तो सरेंडर करता हूँ अपने आप को। मेरे वतन के साथ गद्दारी, ये नहीं। ऊपर चले आओ। कैप्टन भैया, पर उनके साथी भी पकड़े गए। या खुदा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? राजा साहब, इधर भी कुछ लोग छिपे हैं। हमें अफसोस है कि हम सिर्फ 3 आदमी को पकड़ सके, बाकी इधर छिपे हैं। आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। नहीं नहीं, गोली चलाओ। रहने दे बेवकूफ, मौत के मुंह में क्यों जाना चाहता है? देखो, मेजर चौधरी इसी तरफ आ रहा है। छोड़ दे। वो देखिए, उस झाड़ी में, वो भी उन्हीं में से एक है। लो, इन्होंने तो हाथ ऊपर कर दिए, पकड़ लो इन्हें। ताऊ, मुझे पहचाना? क्यों नहीं पहचाना, पाकिस्तानी जासूस हो तुम। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं कुछ और भी हूँ, इस गांव का, इस धरती का। मैं आपके बचपन का दोस्त लतीफ का बेटा असगर हूँ। पहचाने ताऊ? ये कैसा जाल है ताऊ? मैं किसी को नहीं जानता, तुम मुझे भलावे में ला रहे हो। मुझे कुछ याद आ रहा है, तुम लतीफ के बेटे असगर हो। इतने बड़े हो गए तुम, लेकिन नहीं, तुम लतीफ हो, असगर हो, कोई भी हो, इस वक्त दुश्मन के जासूस हो। तुम केवल एक कैदी हो। जानता हूं ताऊ, उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं अपने गांव लौट आया हूँ, अपने वतन में। आओ मकसूद, अब डरने की कोई बात नहीं, हम अपने वतन में हैं। इन दोनों को बांध कर बेचो, ये हमें भलावे में डालना चाहते हैं, इनका विश्वास मत करो। चलिए, हम तैयार हैं। समझ में नहीं आता, ये कैसा जादू? क्या ये सचमुच असगर है? असगर लतीफ का लड़का इस गांव में रहता था। लतीफ मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, और ये असगर जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया। ये तो राम सिंह के साथ खेलकर बड़ा हुआ है, और आज राम सिंह भी मोर्चे पर और वह भी मोर्चे पर, लेकिन कैसा मोर्चा? हाँ, वो सिर्फ दुश्मन है, दुश्मन का जासूस। मुझे अब उसके बारे में और कुछ नहीं सोचना। आ जाइए चौधरी साहब, आ जाइए।
अब उधर कोई नहीं है, आइए। नहीं, कोई असर नहीं, केवल जासूस, दुश्मन, दुश्मन का जासूस। पर ये तो सचमुच असर है, इसे तो मैं पहचानता हूं, और ये भी तो अपनी धरती को पहचान गया है, तभी तो वापस लौटा है। नहीं नहीं, ये सब छल है, निराछल, लतीफ, असगर, ताऊ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक धरती, एक आसमान, फिर भी आदमी आदमी का दुश्मन। नहीं ना, आज ये दुश्मन है, केवल दुश्मन, केवल जासूस, और जासूस की सजा। ओह, ये कैसा मिलन, ये कैसी वापसी। चैन से ना वो रह पाएगा, मेरे देश की मिट्टी की खुशबू से खिंचा चला वो आएगा।